मंदिर है जी, यहाँ सिद्ध मंदिर है, सिद्ध मंदिर है जी, सिद्ध महात्मा की यहाँ पे समाधि बनी हुई है। इसमें बहुत ऊंची समाधि, सब डूब गई है, ये समाधि डूब रही है। दरअसल दीवार टूट गई है, दोनों गिर पड़ी। बताओ ये पिलर टूट गया। हां जी, हां जी, एक सेकंड। प्रेम सिंह रहे हैं, प्रेम सिंह रहे हो तुम पहले जी? लगभग ये कितना एरिया हुआ? एक एक अप्रोक्सीमेट आईडिया। ये लगभग सर गांव का मतलब एक चौथा हिस्सा समझो, पूरे गांव का, पूरे गांव का एक चौथा हिस्सा जलमग्न। ये तालाब की जमीन है, इधर है, इधर इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर से उधर है, इधर से उधर है तालाब। तालाब सब जलमग्न हो गया, पूरे मकान में पानी है, सामने मकान में पानी है, पूरे गांव के अंदर पानी है, वहां पर मकान में पंच फुट है। हां, वहां से जलमग्न हो गया, कमर कमर पानी में निकल रहा है। देखो पानी में घर चले गए, पीछे देखो। अच्छा, अभी जो आपने मजिस्ट्रेट की गाड़ी को रोका है, क्या मामला है, क्या किस लिए? ऐसा हम पल्सों से आए हैं और हमने समस्या का यहाँ सुनाई है, एप्लीकेशन दे रहे थे इनके लिए। विधायक जी ने इन्होंने इनके लिए फ़ोन किया था, हम मौके पर वहाँ खड़े थे। इन्होंने बोला कि विधायक जी को फ़ोन कटते ही कि मथुरा के लोग तो बेवकूफ़ हैं। इन्होंने हम एप्लीकेशन दे रहे थे, हमारे एप्लीकेशन में इंक्वायर कर दिया, तुम्हारा एप्लीकेशन नहीं देना और हमारे साहब धान की फसल नष्ट हो चुकी है और सुनाई नहीं, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। कितनी फसल है, कितनी फसल? हमारा पूरा एरिया हजारों एकड़ एरिया है, पूरे जलमग्न हो रहा है, जलमग्न हो गया है। न चारा है पशुओं के लिए, न अन्न है, न कोई धान है, न कुछ कोई भी फसल नहीं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन मोहन है जी। कहाँ के रहने वाले? पल्सों के रहने वाले हैं साहब। अच्छा, यहाँ आए हैं आप, मजिस्ट्रेट की गाड़ी रोकी है, किसने रोकी है, क्या मामला है? हमने रोकी है साहब, हमारे यहाँ पूरा एरिया जलमग्न हो रहा है, पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है, पूरी फसल नष्ट हो गई है। कितनी फसल है? कम से कम हजारों एकड़ जमीन है साहब, धान, बाजरा, ज्वार, सारी फसल नष्ट हो गई, चारा भी नष्ट हो गया। पानी बरसात से आया है? पानी बरसात और कुछ गोवर्धन ड्रेन से टूटा है, गोवर्धन ड्रेन चल रही है, गोवर्धन ड्रेन जी अब भी पानी चल रहा है। ये बठेन ड्रेन क्या पोजीशन है? बठेन ड्रेन तो हमसे अलग पड़ती है, ये गोवर्धन ड्रेन का पानी। अच्छा, गोवर्धन ड्रेन टूटने से पानी आया है? जी जी, बारिश से भी है, बारिश से ड्रेन से दोनों पानी चल रहे हैं। आज से नहीं, 20 साल से समय से चली है, अभी पानी भरा हुआ है, अब भी पानी चल रहा है। अच्छा, अभी क्या कहा था मजिस्ट्रेट ने जो आपने गाड़ी रोकी? बेवकूफ है, हम आपकी एप्लीकेशन कोई नहीं सुनेंगे, मना कर दिया था, इसलिए आपने गाड़ी गिरफ्त कर लिया। और हाँ, अभी तुम्हारी ज्यादा ना साथ है। सर, अभी कुछ ग्रामीण आपसे तहसील पर मिलने गए थे, जिन्होंने आपसे उनकी समस्या ये थी ग्रामीणों की कि यहाँ पल्सों में पानी भर गया है और पल्सों में पानी की स्थिति इतनी विकराल है कि यहाँ पर लगभग 1200 हेक्टेयर का रकबा है, जिसमें से एक चौथाई रकबा इनकी फसलें चौपट हो गई हैं। धान इनने रोका था तो एक चौथाई लगभग 300 हेक्टेयर, जिसको लगभग 400 बीघा कह सकते हैं, 1200 बीघा रकबा जलमग्न हो गया। और इनके यहाँ जलमग्न की स्थिति ये है कि मंदिर की दीवार तक गिर गई है, लोग घरों से पानी से होकर के गुजरते हैं। इसके साथ साथ
इनका जो शमशान घाट है वहाँ भी पानी भरा हुआ है, लोग अपनी मुर्दे सड़क पर फूंकने के लिए बाध्य। क्या आश्वासन आपने ग्रामीण आश्वासन इनके लिए ये है कि इस संबंध में आश्वासी अभियंता जो ड्रेनेज के हैं उनको पत्र लिखा जाएगा, कॉपी उसकी जिलाधिकारी को भेजी जाएगी ताकि पल्सों से पाडल वाली रास्ता की साइड में पक्की नाली निकाल कर भरतपुर फिल्टर में पानी का अगर निकास हो जाए तभी इनकी समस्या का स्थायी समाधान है, वरना ये लोग प्रतिवर्ष इसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से जूझते रहते हैं। क्या ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि आपसे मिलने जाते हैं वो और फिर आपके द्वारा अभद्र टिप्पणी कर दी जाती है? नहीं नहीं, जिससे गुस्सा हो जाते हैं। इनकी पीड़ा ये है कि वास्तव में इनकी पीड़ा ये थी कि हमने इनसे कहा था कि हम तुम्हारे बारे में पत्राचार करेंगे, विधिवत इसका समाधान करेंगे, इनकी ये पीड़ा थी कि आप चल के देख लें, तो हमने कहा नहीं नहीं मैं चल के भी देख लूँगा। बताया है।